नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का किया शुभारंभ। देश भर के 12 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगी सालाना 6000 रुपए की धनराशि। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत। योजना को किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने का स्थायी समाधान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए शहीद सैनिकों को किया नमन। वॉर मेमोरियल के निर्माण कार्य के पूरा होने की दी जानकारी। कई अन्य मुद्दों पर साझा किए विचार। और गढ़वाल मंडल आयुक्त बीबीआरसी पुरुषोत्तम ने अधिकारियों की ली बैठक। औली में आयोजित होने वाले नेशनल अल्पाइन स्कीइंग एंड स्नो बोर्डिंग कंपटीशन के सफल आयोजन की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। उन्होंने गोरखपुर में किसानों को 2000 रुपए की पहली किस्त इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित करने के लिए बटन दबा कर दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के जीवन में वित्तीय समावेशन के जरिए एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। इस ऐतिहासिक योजना से देश के लघु और सीमांत किसानों को आने वाले दिनों में काफी फायदा होगा। देश के 12 करोड़ से भी अधिक छोटे और मझोले किसानों को इस योजना के तहत सालाना 6000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। 1 करोड़ 1 लाख किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला। देश के 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसमें शामिल है। इन किसानों को 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के 2000 रुपये अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे। इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। जिन किसानों को आज पहली किस्त नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में पहली किस्त की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। वहीं राजधानी देहरादून सहित राज्य के सभी जिलों में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने में लगी है और यही इसका स्थायी समाधान है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत हर वर्ष किसानों के खाते में 6000 रुपए डाले जाएंगे, जिसकी पहली किश्त आज 2000 रुपए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई है। आरंभ की है। एक तो ये स्थाई है, वन टाइम नहीं है या वन ईयर प्रोग्राम नहीं है, ये सतत चलने वाली ऐसी योजना है जो किसानों को लगातार सहयोग करती रहेगी। उत्तराखंड के लगभग 6 लाख से अधिक किसान इस योजना से आच्छादित होंगे।
आज यहाँ पर अभी तक हमारे 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को ये निधि आज शाम तक मिल जाएगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छोटी जोत के किसानों की संख्या अधिक है, यह योजना राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। 92% कृषक जो है वो लघु और सीमांत किसान है, तो 92.8% किसानों को इसका लाभ मिलने जा रहा है राज्य के, जो 8 लाख से ऊपर जिनकी संख्या निश्चित रूप से छोटी छोटी जो छोटे छोटे खेत और किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा हमारे अच्छी नहीं है, तो उसको निश्चित रूप से उसको उससे बड़ा फायदा मिलेगा। कार्यक्रम में किसानों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी सुना। आ गए सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का और राज्य सरकार का, जिन्होंने किसान का दर्द समझाया और उनको एक जो सम्मान के रूप में जो दो दो जो हमारे खाते में उसको मैं राज्य सरकार और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी योजना थी, वो सीधे पैसे खाते में आ गए, कोई बिचौलिया नहीं है, कुछ नहीं है और गरीब आदमी को लाभ मिलेगा। वहीं अल्मोड़ा जिले के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। इस मौके पर किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी सुना। श्री टम्टा ने बताया कि अल्मोड़ा संसदीय सीट के अंतर्गत 100 नाली खेती के 2,62,467 किसान परिवार हैं। इन सभी किसानों को इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को बुआई के समय काफी लाभ होगा। हमारे प्रदेश के अंदर मेरे पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो छोटी जेत के किसान है, सीढ़ीदार खेत के किसान है, उनके लिए एक बहुत लाभप्रद योजना है। इससे एक प्रकार का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आज आप देख रहे हैं कि उन्होंने आज शुभारंभ किया है तो इतने हमारे इसका शुरुआत हो गया है। अल्मोड़ा में 1,04,494 किसानों को लाभ मिलेगा, बागेश्वर में 47,340 किसानों को लाभ मिलेगा और चंपावत में 36,399 किसानों को इसका लाभ मिलेगा, पिथौरागढ़ में 73,744 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक योजना है। इस अवसर पर किसान मेले का भी आयोजन किया गया। मेले में किसानों के लिए खेती योग्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत जिले में अब तक 32,363 किसानों को प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। जो प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया सालाना किसान सम्मान निधि के रूप में दिया है, उसे हम किसानों को, छोटे काश्तकारों को बहुत फायदा होगा, जिससे हम अपने ज़रूरत के लिए खाद, दवा, बिजली का बिल भी हम दे सकते हैं, जिसकी पहली किस्त उन्होंने आज समस्त भारत के किसानों को जारी कर दी है। प्रधानमंत्री जी ने जो 6,000 रुपये सालाना किसानों को, लघु किसानों को देने के लिए बात कही है, इसमें लघु किसानों को बहुत ही फायदा हुआ है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ऐसी ही योजनाएं लेके आएंगे। चमोली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुभारंभ के अवसर पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि 15,750 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। इस योजना के पहले चरण में जिले के 6,406 किसानों के खाते में योजना की पहली किस्त के तहत 2,000 की धनराशि ट्रांसफर की गई है। आज तक 37,218 किस्तों के फॉर्म हमें प्राप्त हो चुके हैं और फर्स्ट फेज में आज जैसे लॉन्चिंग है पीएम किसान सम्मान निधि की, तो उसमें 6,400 के आसपास किसानों को हम लाभान्वित कर रहे हैं फर्स्ट फेज में और शेष को भी आने वाले समय में लाभान्वित किया जाएगा। प्लस ये सतत योजना है, अभी हम कैंप के माध्यम से कर रहे हैं, जब हमारे सारे गाँव कम्प्लीट हो जा रहे होने वाले हैं उसके बाद भी कोई भी किसान चाहे तो वो तहसील में आके इसका लाभ उठा सकता है। उधर चंपावत जिले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आर्थिकी संवारने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों को राहत देने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि इस योजना से चंपावत जिले के 31,000 किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को इससे बहुत अच्छा लाभ होगा,
क्योंकि जो किसान छोटे किसान हैं जिनके पास बीज के समय में अगर पैसा नहीं होता है तो उनको अगर ये 2000 रुपए की किस्त दी जाएगी तो उससे जो है तो वो फसल के लिए बीज ला सकते हैं और अपने कीटनाशकों का भी प्रयोग करने के लिए कुछ सहायता हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 53वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले शहीद सैनिकों को नमन किया। उन्होंने देशवासियों से शहीदों की याद में दिल्ली में बनाए गए वॉर मेमोरियल का निर्माण कार्य पूरा होने की भी जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने छात्र छात्राओं को परीक्षा शुरू होने से पूर्व अग्रिम बधाई भी दी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 6,00,000 परिवारों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलने पर प्रधानमंत्री ने संतोष भी जाहिर किया। आजादी के इतने लंबे समय तक हम सबको जिस वॉर मेमोरियल का इंतजार था वह अब खत्म होने जा रहा है। इसके बारे में देशवासियों की जिज्ञासा उत्सुकता बहुत स्वाभाविक है। नरेंद्र मोदी ऐप पर उडुपी कर्नाटक के श्री ओंकार शेट्टी जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल तैयार होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। मुझे आश्चर्य भी होता था और पीड़ा भी कि भारत में कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था। एक ऐसा मेमोरियल जहां राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों की शौर्य गाथाओं को संजोकर रखा जा सके। मैंने निश्चय किया कि देश में एक ऐसा स्मारक अवश्य होना चाहिए। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल के निर्माण का निर्णय लिया और मुझे खुशी है कि यह स्मारक इतने कम समय में बनकर तैयार हो चुका है। कल यानी 25 फरवरी को हम करोड़ों देशवासी इस राष्ट्रीय सैनिक स्मारक को हमारी सेना को सुपुर्द करेंगे। देश अपना कर्ज चुकाने का एक छोटा सा प्रयास करेगा। दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। गढ़वाल मंडल आयुक्त डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने चमोली जिले में स्थित हिमक्रीड़ा केंद्र ओली में नेशनल अल्पाइन स्कीइंग एंड स्नो बोर्डिंग कंपटीशन के आयोजन को सफल बनाने के लिए अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने ओली में मौजूदा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। मंडल आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले हर खिलाड़ी ओली गेम्स से अच्छे अनुभव लेकर जाएं, इसके लिए खिलाड़ियों के आने जाने और ठहरने की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि ओली में यह आयोजन आगामी 26 से 28 फरवरी तक होगा, जिसमें आर्मी, आईटीबीपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और उत्तराखंड की टीमें शामिल हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान कर उन्हें राज्य के विकास में सहभागी बनाया जाएगा। यह बात उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सचिवालय में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने सभी कुलपतियों को बताया कि राज्य सरकार आगामी 6 मार्च को युवा उत्तराखंड रोजगार एवं उद्यमिता की ओर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने स्वर्णिम भविष्य के निर्माण की दिशा तय कर सकें। इस कार्यक्रम में प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों, नीतियों और रोजगार के अवसरों के बारे में युवाओं को जागरूक किया जाएगा। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का किया शुभारंभ। देश भर के 12 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगी सालाना 6000 रुपए की धनराशि। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत। योजना को किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने का स्थायी समाधान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए शहीद सैनिकों को किया नमन। वॉर मेमोरियल के निर्माण कार्य के पूरा होने की दी जानकारी। कई अन्य मुद्दों पर साझा किए विचार। और गढ़वाल मंडल आयुक्त वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने अधिकारियों की ली बैठक। औली में आयोजित होने वाले नेशनल अल्पाइन स्कीइंग एंड स्नो बोर्डिंग कंपटीशन के सफल आयोजन की तैयारी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।